हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज 31 अक्टूबर 2021, और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1.5 लाख रुपए का एक बहुत ही शानदार सेफ्टी के मामले में, मॉडरेट सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ आपको हाईली रिटर्न भी देगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको पैसा कमा के देगा। ऐसे ही शेयर के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर टोटल 18 अलग अलग शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया। आज की डेट पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चल रहा है लगभग 1,53,000, क्योंकि एकदम रिसेंटली इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो, मतलब इन्होंने ये अक्टूबर के महीने पर ही ये पोर्टफोलियो को बनाया है, जहाँ पर इनको मिल रहा है लगभग 2.5% का आसपास प्रॉफिट। इनके पूरा पोर्टफोलियो में बस एक ही शेयर थोड़ा पुराना है, थोड़ा मतलब वही ज़्यादा पुराना भी नहीं, लगभग 2.5 महीने पुराना है, और बाकी का सारे शेयर दोस्तों इन्होंने एकदम रिसेंटली पिक किया। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी शेयर इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया, और इनका जो टारगेट है 10 साल का। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा शेयर इन्होंने ऐड किया है। सबसे पहला शेयर इन्होंने रखा है आरती इंडस्ट्री, जो कि केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी। 916 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया, बढ़िया प्राइस में, आज की रेट में 964 के भाव में चल रहा है। कुछ दिन पहले ये लगभग 1100 रुपये के ऊपर चला गया था, तो इन्होंने बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक भी किया है। आज की रेट पे मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका है आरती इंडस्ट्री के अंदर, फिर भी इनको मिल रहा है 5% का प्रॉफिट। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, आरती इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है और आगे भी देगा। कंपनी का क्वालिटी बहुत ही शानदार है, टोटल 9,000 रुपये का निवेश है, आराम से आप आँख बंद करके होल्ड कीजिए। इन्होंने बेसिकली जो जो शेयर को चुना है, सेफ्टी के मामले में मॉडरेट सेफ्टी, और उसके साथ साथ हाईली स्पीड में रिटर्न देता है, हाईली स्पीड। तो देखिए, नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया एल्का लवाइंस के अंदर, केमिकल सेक्टर का और एक शानदार कंपनी। 4,000 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस में, आज की रेट में लगभग 9.5 से 10% के आसपास इनको लॉस मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस चल रहा है लगभग 3610 रुपये के आसपास। अच्छा कंपनी है, बट फिलहाल इसके अंदर हमें हल्का फुल्का कमजोरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट भी गिरा है, तो यहाँ पर आप बस होल्ड कीजिए, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया। नेक्स्ट इन्होंने बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया बर्जर पेंट को, एक्सीलेंट प्राइस में इन्होंने शेयर को पिक किया, 780 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। आज की डेट पे ये शेयर हमें थोड़ा और ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से हमने देखा कि पेंट सेक्टर या केमिकल सेक्टर, जो भी बोलिए, ये सारे सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला, चाहे एशियन पेंट्स चाहे बर्जर पेंट, सारे शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जहाँ पर इनको मिल रहा है 5% का लॉस। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, आप थोड़ा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, देखना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल इन्होंने निवेश किया 11,650 रुपये के ऊपर। तो नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया कैम्प्स के अंदर, कैम्प्स के अंदर भी स्टिल लगातार गिरावट देखने को मिला, बट इन्होंने उतना महंगा प्राइस में शेयर को पिक किया, एकदम परफेक्ट प्राइस में शेयर को पिक किया, क्योंकि कैम्प्स का जो सपोर्ट लेवल है 3,000 रुपये का लेवल, लास्ट डे भी हमने देखा था यही 3,000 के ऊपर बार बार सपोर्ट मिल रहा था, तो जहाँ पर इनको मिल रहा है लगभग 6.5% का लॉस। टोटल इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 9,500 रुपये का निवेश किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना दोस्तों। नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया है CDSL के अंदर, CDSL जो कि ASM लिस्ट में डाला है कैम्प्स की तरह भी, 1,229 रुपये बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया। लास्ट डे इसके अंदर में हल्का फुल्का तेज़ी भी देखने को मिला, लगभग 1,353 रुपये के आसपास। कल इस CDSL क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आउट हुआ, रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही शानदार आया, अब हो सकता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा इसके अंदर में 5% का अपर सर्किट भी देखने को चांस है। तो जहाँ पे इनको मिला है 10% का प्रॉफिट, 6,000 रुपये का निवेश है, एक्सीलेंट कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट शेयर इन्होंने पिक किया है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IPO आया था याद होगा आपको केमिकल्स का। तो क्लीन साइंस के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,650 रुपये के आसपास भाव में शेयर, आज की डेट पे बात करें तो ये 2,000 रुपये के ऊपर चल रहा है। कुछ दिन पहले जब लगातार शेयर गिरा था ये, उसके पहले ये शेयर काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था, जहाँ पे इनको मिल रहा है 25% का प्रॉफिट। टोटल 2 ही शेयर को पिक किया, 3,300 रुपये का निवेश है, एक्सेलेंट कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट हाँ थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में लिस्ट पर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया दीपक नाइट्रेट के अंदर, भारी भरकम हैवी वेट इन्वेस्ट किया, क्योंकि कंपनी का क्वालिटी कुछ ऐसा ही है। दीपक नाइट्रेट के अंदर इन्होंने मुझे लगता है कि इन्होंने एकदम रिसेंटली पिक किया होगा, 2,285 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया। कुछ दिन पहले ही गिरावट के पहले ही ये शेयर लगभग 3,000 तक पहुंच गया था, उसके बाद लगातार करेक्शन हमें देखने को मिला, लास्ट दिन भी हल्का फुल्का करेक्शन रहा, जहाँ पर इनको मिल रहा है लगभग 2.5% का लॉस। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक्सीलेंट कंपनी को अपनी पिक किया, केमिकल सेक्टर का एक मार्केट लीडर, वो भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देता है। टोटल इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली
23,000 रुपये का निवेश है। व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके दबा के माल उठाइए। दीपक नेटवर्क के अंदर ये मौका एक बार चला गया तो इन फ्यूचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट शेयर देखिए, इन्होंने इन्वेस्ट किया एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बैटरी मेकर्स कंपनी है, बैटरी वगैरह बनाता है। बहुत शानदार कंपनी है। 165 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया, आज की डेट में 172 रुपये के भाव में चल रहा है। तो बेसिकली बैटरी सेक्टर में हमने लास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी देखा, जैसे कि अमर राजा बैटरी लगातार गिर रहा था और अभी तो थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, बट फिलहाल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। तो टोटल इनको 4.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा निवेश नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया है हैप्पीएस्ट में, जो कि आईटी सेक्टर का एकदम लिस्टेड, न्यूली लिस्टेड कंपनी, एक साल डेढ़ साल ही हुआ है, पूरा एक साल के आसपास ही हुआ है। लास्ट ईयर आईपीओ आया था, तो तब से लेकर आज तक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया अपने शेयर होल्डर को। तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव प्राइस में शेयर को पिक किया है, 1396 रुपये के आसपास। आज की डेट में लगातार इसके अंदर में गिरावट देखने को मिला है। टोटल इनको मिल रहा है लगभग 8.5 से 9% का लॉस। तो इन्होंने टोटल इसके अंदर निवेश किया हैप्पीएस्ट मैन के अंदर 14,000 रुपये का। अच्छा कंपनी है, बट इसको भी सेबी ने एएसएम लिस्ट में ऐड किया, तो जिस कारण हमें हल्का फुल्का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट इनका जो बढ़िया चॉइस रहा IEX, 506 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया। मुझे अच्छे से याद है IEX के अंदर मैं 400 साढ़े 400 से हर किसी के यहाँ पे खरीदने का राय दिया था। आज की डेट पे ये लगातार गिरते गिरते 700 रुपये में चला आया है। कुछ टाइम पहले रिजल्ट आउट होने के पहले ये लगभग आप बोल सकते हो 950 रुपये तक पहुंच गया था, जहाँ पे इनको देखिए मिल रहा है इतना गिरने के बाद भी 40% का प्रॉफिट। टोटल इन्वेस्ट किया 7,500 रुपये का। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, वो भी मोनोपोली पावर सेक्टर के एक्सचेंज है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। नेक्स्ट शेयर इन्होंने पिक किया इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर, आईटी का एक दिग्गज कंपनी। मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को, इन्फोसिस में दवा के माल उठाइए, मतलब जितना गिरे उतना उठाइए, बाय ऑन डिप्स में 1727 रुपये में शेयर को पिक किया। जो मेरा लेवल दिया था सारे व्यूअर्स को आपको याद होगा, 1680 से लेकर 1700 रुपये का लेवल, ये बेस्ट बाइंग लेवल है इन्फोसिस के अंदर। ये भी हो सकता है इसके नीचे गिरे, तो लास्ट डे भी हमने देखा था इसके नीचे आ गया था, तो फिलहाल यहाँ पे खरीदने का बढ़िया मौका चल रहा था। तो आप अगर खरीदा तो अच्छी बात है, व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इनके पास उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी शेयर है आप आँख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 15,000 रुपये का निवेश किया इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया IPL के अंदर। IPL के अंदर दोस्तों कल इसका रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट दोस्तों कुछ खास नहीं आया। आज शाम को इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। टोटल इन्होंने 6,500 रुपये का निवेश किया, तो देखिए 335 रुपये के भाव में आज की डेट में मार्केट प्राइस चल रहा है, जहाँ पे इनको मिल रहा है 6.5% का प्रॉफिट। कंपनी नो डाउट अच्छा है, बट कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा है, तो जिस कारण हमें शेयर के अंदर कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है ये सब प्रॉब्लम तो टेम्पररी होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है होल्ड कीजिए, जो कि आपका टारगेट भी है लॉन्ग टर्म का। तो नेक्स्ट देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया IRFC के अंदर, भी इन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ इन्वेस्ट किया। इनको लगा कि PSU स्टॉक है थोड़ा सा स्लो रिटर्न देगा, तो जिन्होंने इन्होंने थोड़ा सा एक मतलब छोटा मोटा क्वांटिटी इन्वेस्ट किया। टोटल देखिए 1000 क्वांटिटी का शेयर पे किया 23.33 रुपये की भाव में, आज की डेट में 24.25 रुपये के भाव में चल रहा है, जहाँ पर इनको मिल रहा है 4% का प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया मदर्स एंड सुमी के अंदर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाला कंपनी है मदर्स एंड सुमी, एक लीडर कंपनी। 229 रुपये बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से भी हमने देखा कि मार्केट जैसे गिर रहा था, मदर्स एंड सुमी की शेयर को लगभग 220 पे सॉलिड सपोर्ट मिल रहा था। तो आज की डेट में देखिए मार्केट प्राइस चल रहा है उसी रेंज के आसपास, तो इनको बहुत बड़ा कोई लॉस तो नहीं मिल रहा है, लगभग 2.5% का ही लॉस हो रहा है, और इन्होंने उतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया। 4,500 रुपये का निवेश किया, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट शेयर देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया प्रिंस पाइप के अंदर, एक्सीलेंट कंपनी है, बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया 680। कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले ये लगभग 600 रुपये के आसपास पहुंच गया था। लगातार उस टाइम पे पॉलीकैबन प्रिंस पाइप के अंदर खरीदने का राय दिया था आप लोगों को, आज की डेट पे फिर से ये 730 रुपये के भाव में चला आया। कुछ दिन बाद देखना ये आपको 1000 रुपये के ऊपर मिलेगा। कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 7% का प्रॉफिट दिख रहा है, 10,000 रुपये के ऊपर इन्वेस्ट है, आराम से आँख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट ईयर इन्होंने इन्वेस्ट किया रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर। हमेशा मैं बोलता हूँ कि फुटवेयर सेक्टर को ऐड जरूर करना चाहिए, एसेंशियल सेक्टर होता है। टोटल 7,000 रुपये का निवेश किया, इनके प्राइस जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग देखिए लगभग 13% का प्रॉफिट भी मिल रहा है। एक्सीलेंट कंपनी है, बस आराम से होल्ड कीजिए, और इसके अंदर भी फिलहाल गिरावट के बाद खरीदारी करने का बढ़िया मौका भी चल रहा है। नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया सुमितमो केमिकल के अंदर, केमिकल सेक्टर का एक छोटा सा कंपनी, बट मुझे नहीं लगता कि सुमितमो केमिकल यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। आपका अगर इसी मतलब आप अगर इसके जगह यहाँ पे याशु के अंदर करता तो वो काफ़ी अच्छा रहता, या तो आपने दीपक नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी किया, आरती इंडस्ट्री भी रखा, एल्कलमेंस भी रखा, तो यहाँ पे आप केमिकल को छोड़ के दूसरा कोई सेक्टर में या डीमार्ट वगैरह ये सब सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता आपके लिए। एनीवे आप अभी तो यहाँ पे 8% या 8.5% का लॉस में है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तब इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग करके इन फ्यूचर में निकल जाना, ठीक है। जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तब, आज नहीं।
तो नेक्स्ट देखिए उन्होंने इन्वेस्ट किया विप्रो लिमिटेड के अंदर, 580 रुपये के भाव में शेयर को पिक किया है। आज की डेट में 650 के आसपास ही चल रहा है, सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। टोटल 11% का प्रॉफिट मिल रहा है, उतना निवेश नहीं किया तो इन्होंने ऑलमोस्ट 7000 रुपये का निवेश किया। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कीजिए। तो इनका पोर्टफोलियो में बेसिकली मुझे जो समझ आया कि इन्होंने मॉडरेट रिस्क की शेयर को रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं, मॉडरेट सेफ्टी देने वाला शेयर। उनमें से कुछ कुछ अच्छा कंपनी भी है, जैसे कि इन्फोसिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी मिलता है, उसके साथ साथ विप्रो हो गया। तो ये कुछ शेयर है 1, 2, 3, 4 जिसके अंदर इनको सेफ्टी भी अच्छा खासा मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ शेयर यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मॉडरेट सेफ्टी वाला शेयर है और उसके साथ साथ हाईली रिटर्न देने वाला शेयर। तो जिनको हाई रिटर्न चाहिए तो इस टाइप की स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। बट हाँ, पेशेंस जरूर चाहिए, क्योंकि मार्केट जब गिरते हैं तभी आपका असली टेस्ट होता है पेशेंस का, कि आपके पास कितना पेशेंस है, उस टाइम पे आपको शेयर के अंदर एंट्री लेना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा और 1-2 शेयर जैसे कि बजाज फाइनेंस का आप इन्वेस्ट कर सकते थे। बजट कम है तो एक ही शेयर को पिक कीजिए, कोई बात नहीं, बट लॉन्ग टर्म में इस टाइप की शेयर आपको ह्यूज रिटर्न कमा के देगा। डीमार्ट के अंदर कीजिए, अच्छा कंपनी है। पॉलीकैब इंडिया के अंदर कीजिए, हैवेल्स के अंदर कीजिए, ये कुछ शेयर है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने मुझे कहा भी है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे कि आप इस चैनल के साथ रेगुलर देखते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो कहीं पे माइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।